दोस्तों, किस तरह से डाई नया बन रहा है। ये मशीन है, ये खराद का मशीन है, इसको फूल भी बोलते हैं। और ये हमारे दोस्त पाठक जी का मशीन है। और ये जो है डाइयाँ हैं, ये ग्राइंडर इसको बोलते हैं, इसको चिकना करते हैं। और ये डील है, इसको छेदा करते हैं। और ये नया देखिए डाई किस तरह से बनाया जाता है, ये आपको दिख रहा है किस तरह से डाई बन रही है। इधर देखिए ये क्या कर रहे हैं, आप बताइए क्या कर रहे हैं आप, इसको क्या कर रहे हैं आप? मैं पीस निकाल रहा हूँ। ये किस चीज़ का पीस है? ये किस चीज़ में लगता है ये? स्पीकर का। अच्छा, ये स्पीकर। दोस्तों, ये स्पीकर का, स्पीकर जो है बजता है, जो बजने वाला स्पीकर, उसका ये पार्ट है, उसी चीज़ का डाई बन रहा है। इसको कई बार बनाया जाता है, निकलता जब तक पीस अच्छा ना निकले और नॉर्मल मशीन पे, तब तक इसको ओके नहीं माना जाएगा। अभी ये ट्राई कर रहे हैं, सैंपल निकल रहा हुआ है, इसमें फंस गया है। लेकिन इसका मतलब ये है कि डाई अभी अच्छी तरह से बना नहीं है, इसलिए सैंपल जो है डाई में ही फंस गया। अब इसको फिर से मशीन पर चढ़ाया जाएगा और इसको जहाँ फंस रहा है उसमें क्या करेंगे, इसमें अब पॉलिश करेंगे ताकि ये मशीन में आराम से ये पीस निकल जाए, पीस टूटे ना, बर्बाद ना हो। और ये देखिए, ये कौन सी मशीन है? ये है सरफेस ग्राइंडर है ये। इससे कई तरह की मशीनें हैं, ये आपको ये दिखाते हैं हम। और इस मशीन पे भी वही काम हो रहा है, कई तरह के। ये देखिए, ये सैंपल रखा हुआ है, कई तरह के सैंपल निकलता है। अब टॉर्च का सैंपल नहीं निकलता, ये भी सैंपल निकला हुआ है क्या? ये लक्ष्मी जी का सैंपल निकला हुआ है दोस्तों। और मैं आपको दिखाऊं, ये कई तरह की यहाँ डाइयाँ पड़ी है, बड़ी बड़ी डाइयाँ हैं, टॉर्च की डाइयाँ, बटन की डाइयाँ, नेल पॉलिश की डाइयाँ, ये सब तरह तरह की डाइयाँ हैं बनाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली।